देखो, इतने सारे कैरेक्टर्स में से एक सही कैरेक्टर को चूज करना उतना ही मुश्किल है जितना आज के टाइम पर बिना सरकारी नौकरी के शादी करना। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको अपना बेस्ट रसिंग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको मैं खुद यूज करता हूं। देखो, आपका गेम प्ले को इम्प्रूव यानी तगड़ा बनाने के लिए कैरेक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा चुनौती ये रहता है इतने सारे कैरेक्टर्स में से बेस्ट कैरेक्टर कौन सी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग इतने सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स में से सिर्फ 4 कैरेक्टर को यूज करके खेल सकते हैं। अगर आप अपना सिचुएशन के हिसाब से सही कैरेक्टर को चुनोगे तो वो आपका गेम प्ले को 10 गुना 20 गुना तक इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। एंड वहीं पे अगर आप का गलत कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो वो आपका गेम प्ले को इम्प्रूव करने के बदले और ज्यादा खराब कर देंगे। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको अपना खुद का रसिंग कॉम्बिनेशन तो बताऊंगा ही, जो मैं खुद रस गेम प्ले करने के टाइम यूज करता हूं। एंड उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में आपको अपना गेम प्ले एंड सिचुएशन के हिसाब से किन किन कैरेक्टर्स को अपना कॉम्बिनेशन में इंक्लूड करना है वो भी बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, क्योंकि इस चैनल में आपको फ्री फायर के रिलेटेड तगड़ा वीडियोस मिलता रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, बात करें मेरा रस कॉम्बिनेशन की, मैं रसिंग के लिए 2 तरीके का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करता हूं, क्योंकि मैं 2 टाइप का रस करता हूं। पहला इंटेलिजेंट रस, जहां पर मैं एनिमी के ऊपर इंटेलिजेंटली रस करता हूं, यानी मैं सीधा एनिमी के घर के अंदर घुस नहीं जाता हूं। इस वाली रसिंग टेक्निक में मैं एनिमी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता हूं एंड मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज फाइट लेकर उसे कमजोर बना देता हूं। एंड मेरा दूसरा रस टेक्निक में मैं सीधा एनिमी के घर के अंदर आमने सामने घुसकर मारता हूं। एंड नो डाउट इसके लिए अलग सा पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंट रस कॉम्बिनेशन से। देखो, आपको रस करने के लिए क्या चाहिए? एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा स्पीड एंड एक्स्ट्रा हेल्थ। आपको औरों से ज्यादा ताकत, स्पीड एंड हेल्थ चाहिए जिससे कि आप उसके ऊपर भारी पड़ सको। तो इसीलिए मेरा इंटेलिजेंट रस कॉम्बिनेशन का जो पहला एंड प्राइमरी कैरेक्टर है वो है स्काइलर कैरेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इंटेलिजेंट रस के टाइम में मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज फाइट लेता हूं। एंड स्काइलर कैरेक्टर को यूज करने का फायदा है, स्काइलर का 2 एबिलिटी है। पहला, स्काइलर को यूज करके आप सामने वाला एनिमी का वॉल को फोड़ के उसको मार सकते हो। दूसरा, अगर बाय चांस एनिमी आपको डैमेज देता है तो आप क्या करोगे? ग्लूअर लगाओगे। तो स्काइलर के साथ ग्लूअर लगाने पर स्काइलर आपको एचपी देगा, जिससे आपका एचपी फुल हो जाएगा एंड आपको मेडिकिट यूज करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। एंड आप उसी टाइम में बैक टू बैक फायर करके एनिमी को मार पाओगे। एंड इंटेलिजेंट रस के लिए मैं जो सेकंड कैरेक्टर यूज करता हूं वो है केली कैरेक्टर। केली को यूज करने का फायदा है, केली आपका स्पीड को रस करने के टाइम बढ़ा देगी। एंड एक इलाइट कैरेक्टर होने की वजह से केली को यूज करने का और भी एक फायदा है। केली का सेकंड एबिलिटी है, आप जब भी 4 सेकंड के लिए स्प्रिंटिंग करोगे एंड उसके बाद रुककर जब भी फायर करोगे तो आपका गन से निकला हुआ फर्स्ट गोली एनिमी के ऊपर 106% एक्स्ट्रा डैमेज देगा। एंड इस कॉम्बिनेशन में मैं जो थर्ड कैरेक्टर यूज करता हूं उसका नाम है मारो कैरेक्टर, जिसका बड़ा सिंपल काम है। आपके साथ क्या होता है, आप जब भी लॉन्ग रेंज पर होते हो एनिमी को मारने पर एनिमी के ऊपर बहुत कम डैमेज पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज पर डैमेज रिड्यूस हो जाता है। बट अगर आप मारो कैरेक्टर को यूज करोगे तो आपके साथ मैजिक होगा। एनिमी जितना लॉन्ग रेंज पर होगा उसके ऊपर उतना ज्यादा डैमेज पड़ेगा, जिसके वजह से एनिमी लॉन्ग रेंज पर आपसे बचकर भाग नहीं पाएगा। एंड इंटेलिजेंट रस कॉम्बिनेशन का जो लास्ट एंड 4 नंबर कैरेक्टर मैं यूज करता हूं उसका नाम है मोको कैरेक्टर। देखो, शॉर्ट रेंज फाइट पर एनिमी का लोकेशन आपको इजीली पता लग जाता है, क्योंकि एनिमी आपके आसपास होता है। बट बात करें लॉन्ग रेंज की, एनिमी का लोकेशन को पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। एंड वहीं पे आता है मोको कैरेक्टर, जिसको यूज करने पर अगर आप एनिमी के ऊपर एक गोली कनेक्ट कर लेते हो तो उसका लोकेशन आपको एंड आपका टीममेट को लगभग 12 सेकंड तक शो करेगा। वो कहां पे जा रहा है, कहां पर खड़ा है, आपको पता लग जाएगा एंड आप उसको इजीली मार पाओगे। ओके, अभी बारी आता है मेरा पावरफुल रस कॉम्बिनेशन की, जो कि मैं रस के लिए सेकंड कॉम्बिनेशन यूज करता हूं। इस वाली कॉम्बिनेशन को यूज करके मैं एनिमी को शॉर्ट रेंज पर घुसकर मारता हूं। एंड अगर घुसकर मारने की बात हो, आपके पास कॉन्फिडेंस के साथ साथ तगड़ा एंड बेस्ट कैरेक्टर्स भी होनी चाहिए। तो इसीलिए मेरा पावरफुल रस कॉम्बिनेशन का जो पहला एंड प्राइमरी कैरेक्टर है वो एक साथ में एक पूरी स्क्वाड को मारने का ताकत रखता है एंड वो कैरेक्टर है उकोंग कैरेक्टर। बात करें उकोंग की स्किल एंड एबिलिटी की, आप उकोंग को यूज करके गिली बूस में कन्वर्ट हो सकते हो एंड सबसे तगड़ी बात यह है कि आप उकोंग का एबिलिटी को अनकाउंटेबल टाइम यूज कर सकते हो। आप जैसे ही एनिमी को नॉकडाउन करोगे उकोंग का कूलडाउन टाइम रिसेट हो जाएगा एंड आप ऐसे ही गिली बूस बनकर एनिमी को मारते जाओगे। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कमेंट में बताओ यार आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और हाँ, उकोंग का खासियत तो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। आप जब भी उकोंग को यूज करोगे तो एनिमी का डिफॉल्ट एम आपके ऊपर काम नहीं करेगा, यानी सिंपल में बोले तो एनिमी का गोली आपके ऊपर लगेगा ही नहीं। ओके, मेरा पावरफुल कॉम्बिनेशन का जो मैं सेकंड कैरेक्टर यूज करता हूँ वो असल में सबसे ज्यादा पावरफुल है। नहीं नहीं, मैं के कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको जितना भी अच्छा ड्रेस पहना लो उसका शक्ल टट्टी जैसा दिखेगा।
मजाक के बाद साइड में मैं बात कर रहा हूँ हयातो कैरेक्टर की। बात करें हयातो की एबिलिटी की, एक इलाइट कैरेक्टर होने की वजह से ऑब्वियसली उसका दो स्किल है। पहला, आपका थोड़ा सा एचपी लॉस होने पर आप जब भी एनिमी को मारोगे तो एनिमी के ऊपर नॉर्मल से ज्यादा डैमेज पड़ेगा। एंड दूसरा, अगर एनिमी आपको आमने सामने मारता है तो वो जो गोली मारेगा उसका डैमेज आपको कम पड़ेगा। मतलब ये मान लो अगर आप दोनों के पास सेम गन है, वो आपको दो गोली मारेगा, बस जाओगे, बट आपका दो गोली से वो मर जाएगा। ओके, इस कॉम्बिनेशन में मैं जो थर्ड कैरेक्टर यूज में लेता हूँ वो है जोटा कैरेक्टर। देखो, आप जब भी रस करके फाइट करोगे, आप एनिमी को डैमेज दोगे तो आगे वाला एनिमी भी आपको जितना हो सके डैमेज देगा, तो वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा बैठकर मेडिकेट यूज करने की, तो यहाँ पे जोटा कैरेक्टर काम में आएगा। आप जब भी जोटा को यूज करके फाइट लोगे तो आपका एचपी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आप जब भी एनिमी को डैमेज दोगे या फिर नॉक एंड किल करोगे। एंड आपको पता होगा फाइट के बीच में एक एक एचपी से गेम चेंज हो सकता है। ओके, मेरा पावरफुल कॉम्बिनेशन में मैं जो लास्ट एंड नंबर 4 कैरेक्टर यूज करता हूँ वो और कोई नहीं, वो है केली कैरेक्टर। केली को यूज में लेने का एक ही रीजन है, स्पीड। चाहे लॉन्ग रेंज फाइट हो या फिर शॉर्ट रेंज फाइट हो, अगर आपके पास स्पीड है देन आप आसानी से एनिमी को गुमराह करके मार पाओगे। ओके, अभी बारी आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसको सुनने के लिए आप बेसब्री से इंतजार किए होंगे कि आपको अपना रस कॉम्बिनेशन में किन किन कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना है। मैं आपको ऐसे 4 कैरेक्टर रिकमेंड करूंगा जो कि आपका रस को और भी ज्यादा पावरफुल बना देंगे। पहला हयातो कैरेक्टर, जो कि आपको एक्स्ट्रा पावर देगा। सेकंड, जोटा कैरेक्टर, जो कि आपको इंटेंस सिचुएशन में फाइट के दौरान एचपी देगा। थर्ड कैरेक्टर एंटोनियो कैरेक्टर, अगर आप क्लास स्क्वाड में रस करके खेलते हो देन एंटोनियो की मदद से आपको हर एक राउंड के स्टार्टिंग पर एक्स्ट्रा 35 एचपी मिलेगा। एंड फोर्थ, मोको कैरेक्टर, जो कि आपको एनिमी का लोकेशन बताने में मदद करेगा, जिसके वजह से आप एनिमी के ऊपर रस करके उसको मार पाओगे। और हां, अच्छे से रस करने के लिए आपका कस्टम एचओडी भी बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपको जानना है बेस्ट कस्टम एचओडी कैसे बनाते हैं देन लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो। और हां, अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो, खेलना चाहते हो, देन राइट साइड पर हमारा लाइव चैनल दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। रोज शाम को 3 बजे हमारा लाइव चैनल पर लाइव होता है, तो भाई लोग वहां पे आकर अपना सपोर्ट दिखाओ यार।